अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रोशन तारिक और मैं यूएई से अहम अपडेट आज के लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो अब दुबई जाना चाहते हैं। जी हाँ, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के अब बड़े शहरों में दुबई के वीज़ा सेंटर ओपन होने जा रहे हैं। इसकी हवाले से मज़ीद तफसील भी मैं अपने इस वीलॉग में आपको दूँगी, लेकिन उससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स के नोटिफिकेशन देखते रहें और आप इन खबरों से बाखबर रहें। यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पाकिस्तान के बड़े तमाम शहरों में अब दुबई के लिए वीज़ा सेंटर ओपन होने जा रहे हैं। कराची में दुबई का वीज़ा सेंटर ओपन हो चुका है। जी हाँ, जबकि दूसरा नंबर लाहौर का है जहाँ पर वीज़ा सेंटर दुबई के लिए खोला जा रहा है। अमारात में अभी इस हवाले से मैं आपको बता दूँ कि वर्क वीज़ा अभी नहीं जारी किए जा रहे, बंद हैं। आपने किसी को भी अपना जो है वो पासपोर्ट देने से पहले ये जो है वो कंफर्म करना है कि जॉब ऑथेंटिक है कि नहीं। इस वक्त दुबई में जो इस्लामिक गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं पेट्रोलियम के शोबे में और कुछ और शोबों में, वो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अब जो इन वीज़ा सेंटर्स की जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इन वीज़ा सेंटर के ज़रिए आपको मेडिकल और दीगर डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पर यहाँ से वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी जो आपको रिक्वायर्ड हैं दुबई जाने के लिए। बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो दुबई जाना चाहते हैं। यकीनन कराची और लाहौर में वो इन सेंटर्स से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मज़ीद अपनी आरा कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।